हेलो फ्रेंड, वेलकम वंस अगेन। टाइम एंड वर्क के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम, जो कि है अल्टरनेट डेज का वर्किंग। फ्रेंड्स, अगर इससे पहले के वीडियोस आपने नहीं देखे तो उन वीडियोस को अवश्य देखें, जिससे कि आप इस प्रॉब्लम के कंसेप्ट को इजिली लर्न कर पाए और इस वीडियो के साथ कंटिन्यू कर पाए। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अल्टरनेट डेज वर्किंग की प्रॉब्लम। अल्टरनेट डेज वर्किंग प्रॉब्लम बेसिकली रिलेटेड है अलग अलग पर्संस जो कि अलग अलग कैपेबिलिटीज पे वर्क कर रहे हैं और एक क्या कर रहे हैं, वो अल्टरनेट डेज पे वर्क कर रहे हैं। फर्स्ट डे क्या करता है आपका, ए वर्क करता है, सेकंड डे बी करेगा, थर्ड डे सी करेगा, अगेन ए करेगा, बी करेगा, सी करेगा, ऐसे वो क्या कर रहे हैं, अल्टरनेट डेज पे वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ हम डिस्कस करते हैं अल्टरनेट डेज से रिलेटेड हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन क्या कहता है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days। ए अकेला क्या करता है, 10 days में किसी वर्क को कंप्लीट करता है, विच बी कैन फिनिश इन 15 days। और वही काम बी कितने दिनों में करता है, 15 दिनों में कंप्लीट करता है। इफ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, अगर वो अल्टरनेट डेज पे वर्क कर रहे हैं विथ ए बिगिनिंग, इसमें हमें ध्यान में क्या रखना है कि स्टार्ट कौन कर रहा है, हमारे पास में स्टार्ट कौन कर रहा है, ए। नेक्स्ट डे कौन काम करेगा, बी। अगेन थर्ड डे ए, नेक्स्ट बी, मींस ऐसे अल्टरनेट डेज में जब तक काम कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो अल्टरनेटिवली वर्क करते रहेंगे। आगे क्या पूछ रहे हैं, इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी फिनिश्ड, कितने दिनों में वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या करना है, हमें बेसिक प्रॉब्लम हमारा वही रहेगा जिसके अंदर आप ए एंड बी का क्या करोगे, एफिशिएंसी फाइंड आउट करोगे। और वो कैसे करना है, ए कितने दिनों में करता है, 10 दिनों में, बी कितने में करता है, 15 दिनों में। टोटल वर्क फाइंड आउट करना है, सबसे पहले टोटल वर्क क्या आएगा, दोनों का एलसीएम। एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, बड़ी संख्या को आप क्या करो, 1 से स्टार्ट कर दो मल्टीप्लाई करना, 15 10 से डिविजिबल है, नहीं है, तो क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 30 क्या है, 15 से भी डिविजिबल है एंड 10 से भी डिविजिबल है, तो ये क्या गया, एलसीएम 30। एलसीएम को अगेन हम डिस्कस करेंगे एलसीएम के वीडियोज में। तो यह हमारे पास में एलसीएम क्या आ गया, 30, वो क्या हो गया, टोटल वर्क यूनिट, 30 यूनिट क्या हो गया हमारे पास में, टोटल वर्क। एक एफिशिएंसी कैसे आएगा, 30 में ए से 10 से डिवाइड कर देंगे, ए की एफिशिएंसी आ गई 3, बी की एफिशिएंसी कैसे आएगी, 15 का डिवाइड कर दो 30 में 2, बी की एफिशिएंसी क्या आ गई 2। अब हमें क्या करना है, अल्टरनेट डेज पे वर्क कर रहे हैं, यहां हमें क्या करना है, पेयर फॉर्म करना है, मीन्स अल्टरनेट पे जितने पर्सन वर्क कर रहे हैं तो वो एक पेयर फॉर्म करेंगे। यहां क्या करें, एक पेयर क्या हो गया, एक पेयर मीन्स 2 days। फर्स्ट डे काम कौन कर रहा है, ए कर रहा है, तो फर्स्ट डे कितना वर्क कंप्लीट होगा, 3, सेकंड डे 2, मीन्स इस पेयर की एफिशिएंसी हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो मीन्स फर्स्ट डे ए वर्क करेगा, 3 यूनिट वर्क करेगा, बी कितना यूनिट वर्क करेगा, 2 यूनिट वर्क करेगा, तो एक पेयर मीन्स 2 days में हमारे पास में कितना वर्क कंप्लीट हो जाएगा, 5 यूनिट वर्क कंप्लीट हो जाएगा इन 2 days और इन 1 pair। अब क्या करना है आपको, टोटल टाइम फाइंड आउट करना है, उसके लिए क्या करना है, जो इस पेयर की एफिशिएंसी आई है इसका डिविजन करना है आपको इस 30, तो मेरे पास में टोटल टाइम क्या आएगा, 30/5, तो यहां कितना आएगा मेरे पास में, 6। ये हमारे पास में 6 days नहीं आए हैं, 6 days पे अगर क्लिक करोगे, टिक करोगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास में, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये मेरे पास में क्या है, 6 pairs, तो टोटल डेज कितने हो जाएंगे, 6 into 2, 12 days। 12 days में क्या होगा मेरे पास में, ए एंड बी अल्टरनेटिवली वर्क करके उस काम को कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, ए बी एक पेयर की एफिशिएंसी फाइंड आउट करके उससे डिवाइड करना है, देन टोटल वर्क, टोटल डेज जिसमें ए बी अल्टरनेटिवली काम को फिनिश करेंगे वो फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे अनदर प्रॉब्लम। फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 9 and 12 days। ए अकेला क्या करता है, 9 दिनों में कंप्लीट करता है,
एंड बी क्या करता है 12 दिनों में उस काम को कंप्लीट करता है। इफ दे वर्क फॉर ए डे ईच अल्टरनेटली, इफ दे वर्क फॉर ए डे ईच अल्टरनेटली मीन्स वो एक दिन काम करते हैं बट अल्टरनेटली वर्क कर रहे हैं बिगिनिंग विथ ए। ए क्या करता है स्टार्ट करता है काम को। इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड, कितने दिनों में वर्क कंप्लीट होगा। तो इस सॉल्यूशन के लिए हमें सबसे पहले ए एंड बी की एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। वो कैसे करोगे, ए 9 दिनों में करता है, बी अकेले कितने करता है 12 दिनों में। एलसीएम क्या आएगा 36, 9 से डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी आ जाएगा किसका, ए का कितना आएगा 4, 12 से डिवाइड करेंगे तो बी का एफिशिएंसी आ जाएगा 3। ये मेरे पास में क्या क्या इंडिविजुअल एफिशिएंसी आ गई। और वो क्या कर रहा है, ए स्टार्ट कर रहा है अल्टरनेटली, नेक्स्ट डे बी काम करेगा, उसके नेक्स्ट डे ए करेगा, बी करेगा, ए करेगा, बी करेगा, एंड अगेन सो ऑन जब तक काम फिनिश नहीं होगा। तो यहां मेरे पास में फर्स्ट डे ए की एफिशिएंसी क्या है 4, 4 यूनिट वर्क कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट डे बी कितना करेगा 3 यूनिट, एक पेयर हो गया, एक पेयर की एफिशिएंसी ए प्लस बी का एक पेयर, उसकी एफिशिएंसी क्या हो गया 7 यूनिट, 7 यूनिट। तो हमारे पास में टोटल वर्क कितना है 36। इस 36 वर्क यूनिट वर्क को कंप्लीट करने में ये 7 यूनिट्स के पेयर से ए एंड बी कितना टाइम लेगा वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इस 36 को अगर हम डिवाइड कर दें 7 से, और हमें डिवाइड करते टाइम ये ध्यान में रखना है कि इसके नियर अबाउट कितना क्लोज हम जा सकते हैं वो चेक करना है। तो अगर 36 में अगर 7 से हम डिवाइड करें हमारे पास में क्या आता है 5 टाइम्स, हमारे पास में क्या आ जाएगा 35। मीन्स अगर वो 5 पेयर्स में काम करेंगे तो मेरे पास में 35 यूनिट वर्क क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा, 35 यूनिट वर्क कंप्लीट हो जाएगा। मीन्स 5 पेयर इक्वल्स टू 10 डेज, 10 डेज तो उनको लगेंगे। नेक्स्ट कितना यूनिट वर्क रिमेनिंग रहेगा 36 माइनस 35, 1 यूनिट वर्क क्या रहेगा रिमेनिंग रहेगा अभी भी मेरे पास में। इसको हम छोड़ नहीं सकते कि एक यूनिट है चलो छोड़ देते हैं, बट ये वर्क भी तो क्या करना होगा कंप्लीट करना होगा। ये वर्क कौन कंप्लीट करेगा, 5 पेयर हो रहे, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, फिफ्थ पेयर, 5 पेयर तो कंप्लीट वर्क कर रहे। नेक्स्ट डे अगेन कौन स्टार्ट करेगा ए, क्योंकि 5 पेयर क्या हो चुके हैं कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट डे क्या करेगा ए वर्क स्टार्ट करेगा, और ए एक दिन में कितना काम करता है 4 यूनिट वर्क करता है, और मुझे करना कितना है ओनली 1 यूनिट वर्क कंप्लीट करना है। तो इसके लिए कैसे सोल्व करेंगे, कितना टाइम लेगा वो जो रिमेनिंग वर्क है उसको न्यूमरेटर में रखेंगे और जो उसकी एफिशिएंसी है उसको डिनोमिनेटर में रखेंगे। तो ये क्या जाएगा मेरे पास में मीन्स 1/4 डे अगेन ए वर्क करेगा। तो टोटल डेज कितने हो जाएगा 10 प्लस 1/4 डेज, 41/4 डेज टू डू दैट वर्क। आपको ये ध्यान में रखना है सबसे नियर अबाउट उसके पास में जाना है पेयर में, देन रिमेनिंग वर्क को क्या करना है न्यूमरेटर में रखना है, एंड उसकी एफिशिएंसी जो वर्क कर रहा है यहाँ ए कर रहा था ए की एफिशिएंसी हमने 4 क्या किया डिनोमिनेटर में रख दी, एंड रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने में कितना दिन लग रहा है वो हमने फाइंड आउट किया एंड दोनों को एड कर दिया। तो इससे हमारे पास में कंप्लीट टाइम हम क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। एक अनदर प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं जो कुछ डिफरेंट टाइप की। सो फ्रेंड्स ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या कह रहे हैं ए बी एंड सी कैन डू वर्क इन 20, 24 एंड 15 डेज रेस्पेक्टिवली। अगर वो इंडिविजुअली वर्क कर रहे हैं तो क्या करें 20, 24 एंड 15 दिन लेते हैं एक वर्क को कंप्लीट करने में। दे वर्क अल्टरनेटिवली, वो वर्क क्या कर रहे हैं अल्टरनेटली वर्क कर रहे हैं। फर्स्ट डे सी यहाँ क्या स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट डे स्टार्ट कौन कर रहा है सी, ये हमें चेक करना है फर्स्ट कौन कर रहा है, यहाँ हमारे पास भी सी कर रहा है तो पेयर जब बनाएंगे तो सबसे पहले सी वर्क करेगा, सेकेंड डे बी, थर्ड डे ए, तो ये हमारे पास में पेयर आएगा। हाउ मेनी डेज विल बी नीडेड टू कंप्लीट द वर्क लाइक दिस वे, इस तरीके से काम करने में उन्हें उस काम को फिनिश करने में कितना समय लगेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इंडिविजुअल आप फाइंड आउट कर लो, ये कितने में दिन करता है 20, बी कितने 24 डेज में, सी 15 दिनों में।
इनका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, कोई बड़ी संख्या को 1 2 3 से मल्टीप्लाई करके स्टार्ट कर दो, इनका एलसीएम आएगा आपका 120 24। यहां से आप डिवाइड करोगे, ए की एफिशिएंसी क्या आएगा 6, बी की एफिशिएंसी 5 और सी की 8। ठीक है, ये हमारे पास में ए बी सी की एफिशिएंसी आ गई। अब वो क्या करे, फर्स्ट डे सी, तो टोटल वर्क कितना है मेरे पास में, टोटल वर्क है आपके पास में 120 यूनिट, और उसको किस वे से कर रहे हैं, सी स्टार्ट करता है सेकंड डे, बी करता है, ए करता है, तो यहां मेरे पास में एक पेयर क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 3 डेज, और एक पेयर की एफिशिएंसी कितनी आएगी 6 यूनिट फर्स्ट डे, सॉरी सी काम कर रहा है तो फर्स्ट डे कितना वर्क कंप्लीट होगा 8 यूनिट वर्क, सेकंड डे कितना होगा बी की एफिशिएंसी 5 प्लस थर्ड डे ए वर्क कर रहा है ए की एफिशिएंसी 6, तो यहां से कितना यूनिट आ गया मेरे पास में 19 यूनिट इन 3 डेज और इन 1 पेयर। तो टोटल टाइम फाइंड आउट करना है, इस पेयर की एफिशिएंसी से क्या करना है, टोटल वर्क को क्या करो डिवाइड कर दो 120 बाई 19। ठीक है, तो यहां से अगर 19 का डिवाइड करते हैं 120 में तो हमारे पास में कितना आता है 6, 19 114। हमें क्या करना है, इसके नियर अबाउट जाना है। ठीक है, इसके नियर अबाउट जाना है, तो सबसे 19 छिंके क्या होते हैं 114, तो यहां क्या कर सकते हैं 6 तो क्या हो गए मेरे पास में कंप्लीट पेयर्स हो गए, तो टोटल डे 6 पेयर में कितने होंगे 18 दिन तो पूरे हो गए उसको। ठीक है, 18 डेज तो क्या हो गए कंप्लीट वो वर्क करेंगे, रिमेनिंग कितना रहेगा 120 माइनस 114, 6 यूनिट वर्क अभी भी रिमेनिंग है मेरे पास में, 18 दिन काम करने के बाद में भी 6 यूनिट वर्क कंप्लीट है। तो जब एक पेयर खत्म होता है तो नेक्स्ट पेयर कहां से स्टार्ट होगा, जो काम को स्टार्ट कर रहे हैं, और यहां कौन स्टार्ट कर रहा है सी, तो यहां मेरे पास में 18 प्लस रिमेनिंग कितना वर्क है 6, रिमेनिंग वर्क 6 न्यूमरेटर में रखना है आपको, एंड जो काम स्टार्ट कर रहा है उसकी एफिशिएंसी क्या करोगे डिनोमिनेटर में 6/8, और हम इस 6/8 को क्या लिख सकते हैं 3/4, तो हमारे पास में टोटल डेज कितने आ जाएंगे 18 प्लस 3/4, यहां सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 70/4, 18 को 4 से मल्टीप्लाई 72 प्लस 3 75/4 डेज दे रिक्वायर्ड टू डू वर्क इन दिस वे सी बी एंड ए। सो फ्रेंड्स, विद द हेल्प ऑफ दीज ट्रिक्स वी कैन सोल्व टाइम एंड वर्क प्रॉब्लम वेरी इजीली। आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें और क्वेश्चंस को सोल्व करें, डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम को सोल्व करें। नेक्स्ट वीडियो में हम अनदर टाइप की कैटेगरी को डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क से रिलेटेड। आई होप यू लाइक माई वीडियोज, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल जुपिटर क्लासेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।